नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पास हो जाओ पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकन हमारे अगले आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमारा जो ये पहला वीडियो है ये है द इनविजिबल मैन, जो कि एच जी वेल्स ने लिखी है। आप याद रखिए उन राइटर का नाम। हम आपको इसमें बताएंगे फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जो फर्स्ट चैप्टर की समरी है, हम सारी जो डिटेल है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से और क्या क्या जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आप अपने दिमाग में रख सकते हैं ताकि आप किसी भी आंसर को दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैप्टर का स्टार्ट है वो काफ़ी ड्रामेटिक स्टार्ट होता है। इसमें एक स्ट्रेंजर है जो कि हेड से लेकर फुट तक, यानी कि सर से लेकर पांव तक पूरा कवर्ड होता है। इसका जो हेड टो हैंड्स वगैरह सब कुछ कवर होता है। हेड जो होता है इसने अपने कैप से हैट से कवर कर रखा होता है। हैंड्स पे इसने ग्लव्स पहन रखे होते हैं ताकि इसका बिल्कुल मतलब कुछ ना दिखे। बस इसका एक ही बॉडी पार्ट जो नोज़ है, जो कि थोड़ी फेक नोज़ लग रही थी, जो कि एक लाल कलर की पॉइंटेड नोज़ थी जो बाहर आ रही थी, ऐसी नोज़ सिर्फ एक दिख रही थी, बाकी सब कुछ कवर्ड था। जो इसने अपनी पूरी बॉडी थी वो बैंडेजेस से कवर कर रखी थी ताकि इसकी बॉडी का एक भी पार्ट ना दिखे। तो यह जो आदमी होता है, जो स्ट्रेंजर मैन जो होता है, ये जाता है इपिंग शहर में। इपिंग शहर में एक इन होता है कॉच एंड हॉर्सेस नाम का। इन मतलब होता है एक होटल जहाँ पर हम स्टे कर सकते हैं। तो अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं जिसमें इस इन का जिक्र है तो आप वहाँ पर INN का यूज़ करें, ना कि किसी होटल का। तो उस जो इनकी मालकिन होती है, जो इनका नाम आप याद रखिए कोच एंड हॉर्सेस, तो इसकी जो मालकिन होती है वो होती हैं आपकी मिसिज़ हॉल। तो मिसिज़ हॉल जो होती हैं वो एक काफ़ी मनी माइंडेड लेडी होती हैं, मतलब कि उनको पैसे से मतलब होता है। अगर पैसा मिल रहा है और थोड़ी बहुत उनको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े तो वो मतलब कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं। तो हम आपको दिखाएंगे आगे और बताएंगे अगले आने वाले चैप्टर में कि ऐसा क्यों कह रहे हैं हम। तो जब तक बात करते हैं द इनविजिबल मैन की, इनविजिबल मैन जो होता है वो पहुंचता है वहां पर और पूरा कवर्ड होता है, और जाते ही वो मिसिज हॉल को पैसे का रोप दिखाना शुरू कर देता है, पैसे देता है उनको। और जो इनविजिबल मैन होता है, फर्स्ट इंप्रेशन जो है इनविजिबल मैन के, वो काफ़ी रूड होते हैं, वो काफ़ी रूड सुनाई देता है, बिल्कुल घुल मिलने मिलने वाला इंसान नहीं लगता, मतलब बात करने के मूड में नहीं होता वो। वो डायरेक्ट यानी कि पॉइंट पे आने वाला आदमी है, डायरेक्ट बात कोई बातचीत करने का कोई मौका नहीं देता किसी को और अपने बारे में जानने का मौका नहीं देता। और मिसिज हॉल जैसे ही पैसा देखती हैं तो उनको लगता है कि वाह आज तो मज़ा आ गया, क्योंकि ये ठंड का समय होता है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। और उनका जो एक गेस्ट आ गया है, मतलब उनको एक कस्टमर मिल गया है, तो वह काफ़ी खुश होती हैं क्योंकि ठंड में एक नया कस्टमर आना उस जगह पर बहुत मुश्किल था। तो जैसे ही वो स्ट्रेंजर को देखती है, पहले तो उनको जो फर्स्ट इंप्रेशन लगता है कि ये क्या है, इसने तो पूरा कवर कर रखा है अपना फेस वगैरह, तो उससे बात करने की कोशिश करती हैं, उसको बोलती हैं कि क्या मैं आपका कोट और आपके जो कपड़े हैं वो ले जाऊं धोने के लिए। पर इनविजिबल मैन जो होता है वो बिल्कुल रूड तरीके से उनको मना कर देता है और उनको बाहर जाने को कहता है। जो मिसिज हॉल होती हैं वो उसके लिए खाना बनवाती हैं और उसके जो होती है फायर जलाती हैं, पर जो इनविजिबल मैन होता है वो फायर के पास नहीं बैठा होता, इतनी ठंड होने के बावजूद वो विंडो से बाहर देख रहा होता है। मिसिज हॉल जो एक मतलब अपने दिमाग में सोचती हैं कि शायद इस इनविजिबल मैन या जो ये स्ट्रेंजर पर्सन है, क्योंकि उनको अभी पता नहीं होता कि वो इनविजिबल है, तो जो ये स्ट्रेंजर पर्सन है शायद इसका कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए उसने अपना पूरा जो फेस वगैरह है वो बैंडेजेस से कवर कर रखा है। तो मिसिज हॉल को लगता है और वो बात करने की कोशिश करती हैं, पर इनविजिबल मैन उनको इग्नोर कर देता है और उनको जाने के लिए बोल देता है और कहता है कि आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। वह जो है इनविजिबल मैन अपने जो लगेज का होता है वो वेट कर रहा होता है, क्योंकि उसका जो लगेज होता है अभी भी स्टेशन पर होता है और वो चाहता है कि जो मिसिज हॉल है वो उसका बैग मंगवाए, पर मिसिज हॉल कहती हैं कि यह कल से पहले तो नहीं आ सकता। जिस बात पर इनविजिबल मैन जो होता है, जो स्ट्रेंजर होता है, वो काफ़ी एंग्री हो जाता है और वो कहता है मुझे अपना जल्द से जल्द बैग चाहिए, और वो फिर से अपना रूडनेस दिखा देता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इस चैप्टर में और ज़्यादा कुछ है नहीं करने को, तो आपको मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता सकता हूँ। इसमें जो एक क्वेश्चन आ सकता है वो यह आ सकता है कि मिसिज हॉल का जो फर्स्ट इंप्रेशन क्या था स्ट्रेंजर मैन के बारे में। जो दूसरा इसमें क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है कि जो स्ट्रेंजर मैन जो था उसका जब आगमन हुआ मतलब इपिंग में और जो कोच एंड हॉर्सेस में, उसके बारे में कुछ बताया जिसमें आपको बताना होगा कि वो पूरा कवर्ड था, वो मतलब रूड बिहेव कर रहा था, उसको अपने पैसे का जोर दिखा रहा था, जाते ही उसने मिसिज हॉल को पैसे दे दिए, बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं था और अपने बैग्स का वेट कर रहा था जो कि नहीं आए थे अभी तक और टाइम लेने वाले थे। तो आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अभी मैं वापस आऊँगा सेकंड चैप्टर के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और धन्यवाद आपका।